क्या तुमने कभी रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस सुनाई क्या बच्चे? नहीं सुना? बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। उन्होंने बोला था कि इस दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, या हम प्लांट के सेल मेम्ब्रेन की बात करें, या बैक्टीरिया के, या एनिमल के, तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, ये सब एक जैसी होती है। स्ट्रक्चर और फंक्शन में वो सिमिलर होती है, मतलब बायलेयर लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे यहां पर भी है। यानी प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो दैट इज लाइक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, बायलेयर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लाइक एनी मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ बायलेयर लिपिड एंड प्रोटीन। क्या कोई सिंगल लेयर लिपिड का भी बना हुआ होता है किसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सिंगल लेयर ब्रांच चेन लिपिड, आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थोड़ी डिफरेंट है। और ऑर्गेनेल में बात करूं तो हाफ यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है स्फीरोसोम में। स्फीरोसोम के अंदर क्या होता है? स्फीरोसोम के अंदर में क्या भरा होता है? लिपिड। एक ऐसा गोला है जिसके अंदर भरा हुआ है क्या? लिपिड। अब यदि इसके अंदर लिपिड भरा हुआ है तो क्या पोलर हेड यहां पर रह पाएगा क्या? नहीं, वो तो रिपेल करेगा। भाई एक नॉर्मल सेल है, यहां पर वाटर है साइटोप्लाज्म वाला, तो वाटर के रिलेशन में रहेगा पोलर हेड, ये तो रह सकता है, लेकिन यहां पर तो लिपिड है तो ये नहीं रह सकता है। तब फिर क्या होगा? सिर्फ आधा पोर्शन इस तरीके से ही होगा, हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, स्फीरोसोम। ठीक है, तो स्फीरोसोम के अंदर हम बोलते हैं कि हाफ यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अदरवाइज नॉर्मल कंसेप्ट क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है बायलेयर लिपिड, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर भी मेम्ब्रेन जो है वो वैसा ही है। जब यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो तुम देखोगे कि उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसे गाढ़ा बनाते हैं, जो इसे विस्कस बनाते हैं। क्या है वो जो इसे विस्कस बनाने का काम करता है? वेरी गुड बच्चे, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये इतना फ्लूइड हो जाएगा कि वो हो सकता है, यदि हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें, हमारे सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है तो वो इतना गाढ़ा है। यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो हो सकता है धूप में जाते पतापड़ा चलते चलते बहने लग गए। भाई गाढ़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं रख पाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होते वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसे क्या करता है? गाढ़ा बनाने में हेल्प करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और प्लांट में भी एनिमल लाइक कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, फाइटोस्टेरॉल वगैरह होते हैं। ठीक है, होपेनॉइड होता है इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, होपेनॉइड इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉयडल कंपाउंड ही है, बट कोलेस्ट्रॉल की जगह पे जो पर्टिकुलरली यहां पर कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं होपेनॉइड। ठीक है ना, और ये एक थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। बट यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का यूकैरियोटिक के जैसा होता है कि नहीं होता है, तो क्या बोलोगे? यस होता है। ठीक है, ये नहीं बोल दोगे कि नहीं अलग है बिल्कुल, ये तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वो भी कंपाउंड में एक प्रेजेंट दोनों में, बट इसमें अलग फॉर्म है और हमारे अंदर अलग फॉर्म है। ठीक है, चाहो तो लिख दो सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी कुछ फोल्डिंग्स भी देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर। याद होगा लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाया था, तब एनवेलप वाला पार्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। ये ऊपर में ग्लाइकोगैलिक्स है, ये सेल वॉल है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बनाई थी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम दो टाइप के थे, कौन कौन से? हाँ, या तो लेटरल और सेप्टल दो बोल दो, या फिर पेरिफेरल और सेंट्रल बोल दो।
लेटरल मतलब पेरिफेरल, जो बाहर पेरिफेरी की तरफ है, और सेप्टल जो अंदर तक आ गया, बाद में सेप्टा बनाने में भी, क्रॉस वॉल बनाने में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो है मीजोसोम। सो मीजोसोम इज एक्चुअली इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये किस क्या है? इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक होता है पेरिफेरल मीजोसोम और दूसरा होता है सेंट्रल मीजोसोम। पेरिफेरल नाम से पता पड़ रहा है, जो परिधि पर है कुछ इस तरीके से, और जो सेंटर तक आ जाएगा उसे हम बोल देंगे सेंट्रल मीजोसोम। ये पेरिफेरल मीजोसोम का काम क्या होता है, क्या करता है? एक तो सेल वॉल मटेरियल सीक्रेट, सरफेस एरिया किसके लिए, क्या है इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसा जो सरफेस एरिया बढ़ाने से सेल को फायदा है, कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ रेस्पिरेशन। तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि क्रेब साइकिल यहां पे चल रही होगी, ग्लाइकोलाइसिस यहां पे चल रहा है, क्रेब साइकिल यहां पे चल रहा है, लिंक रिएक्शन यहां पे चल रहा है, ईटीएस यहां पे चल रहा है, हाँ, और क्रेब साइकिल। लेकिन यहां तो प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन तो सही बात है। और चलो थोड़ी सी और बेसिक बातें करते हैं, थोड़ी सी और एकदम रूट लेवल की बात करते हैं। इस दुनिया में इवोल्यूशन हुआ, पहले बने प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे थे? मान लो ये एक सेल वॉल है, एक सेल बनी है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ऐसे मीजोसोम्स वगैरह हैं, पेरिफेरल मीजोसोम। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर 70S राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं। क्या है ये? एक बैक्टीरिया है। मान लो ये बैक्टीरिया कौन सा है? ये बैक्टीरिया है सल्फर बैक्टीरिया, मान लेते हैं सल्फर बैक्टीरिया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे इवॉल्व होकर के बन गई, बड़ी सिंपल सी है, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल। अब यूकैरियोटिक सेल जब बनी होगी तब कैसे बनी होगी? हम तो सेल वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम बैक्टीरिया प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे थे, बट चूंकि अपने एनसीईआरटी में यहां पर दिया हुआ है तो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। अब जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तब ये चीजें स्किप कर दूंगा, बोल दूंगा तुमको पहले पढ़ाई हुई है मैंने, है ना। तो जब यूकैरियोटिक सेल बन रहा था तो क्या हुआ, एक गरीब आदमी था पहले जिसके पास एक छोटा सा घर था, उस छोटे से घर में, इतना छोटा घर था कि उसमें क्या बेडरूम, क्या हॉल, क्या किचन, एक ही रूम, एक ही सब कुछ है, यही है सब कुछ। उसी में क्या क्या, एक इंसान ने यहाँ पे अपने स्टोव वगैरह रख लिए, खाना वाना बनाना स्टार्ट किया, वही उसने अपना बेड लगा लिया, उधर वो उसका बेडरूम हो गया, इधर ही टेबल चेयर लगा ली, वही उसका स्टडी रूम हो गया, ऐसा कुछ था। कौन है वो? ये है, देखो। फिर क्या हुआ, फिर मान लो सपोज वो आदमी धीरे धीरे अमीर हो गया, बड़ी सी जगह आ गई, बड़ा सा घर बनाने का हो गया उसका, कितना बड़ा, मान लो बड़ा सा घर, ये लो इतना बड़ा घर बना लिया उसने। अब वो क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इतना बड़ा घर है, अब हमारा किचन अलग होगा, स्टडी रूम अलग होगा, डाइनिंग हॉल अलग होगा और बेडरूम अलग होगा, ऐसा सब उसने प्लान कर लिया। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वही हुआ सेल के साथ में, कि जब बड़ा हुआ तो उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बन गए। क्या बोल रहे? कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स बन गए। वो कंपार्टमेंट कैसे बने? उसने देखा कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। यूकैरियोटिक सेल बना, जेनेटिक मटेरियल भी बढ़ा धीरे धीरे। उसने बोला जेनेटिक मटेरियल मुझे लग रहा है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे सेंटर प्लेस दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया, सेंटर में अपने जेनेटिक मटेरियल को रखा और मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स आई अंदर। सपोज ये बड़ा सा घर हो गया, यहाँ पे हमें न्यूक्लियस बनाना है, तो क्या हुआ, ऊपर वाली मेम्ब्रेन ऐसे अंदर ट्यूब की तरह फोल्ड हो रही है, ट्यूब, और फिर वो ऐसे फूल करके या एक्सपांड हो करके एक ऐसा क्या हुआ, एक लेयर जैसी बनने लग गई। कैसे? कुछ इस तरीके से। सपोज यहां से भी कुछ मेम्ब्रेन आई, एक्सपांड होकर के उसने क्या किया, कुछ इस तरीके से लेयर बना दी, कुछ यहां से मेम्ब्रेन आई, कुछ इस तरीके से। क्या हुआ, जो चारों तरफ से मेम्ब्रेन आ रही थी
अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के उन्होंने एक लेयर जैसा बना दिया ताकि क्या करे, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन गई और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, उस बॉल के ऊपर कितनी लेयर, दो लेयर। देखो हमारा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड तो होता है। फिर उसने बोला कि इस मेम्ब्रेन से तो कुछ और भी काम करवा सकते हैं, सेल के अंदर कंपार्टमेंट बनाना है तो हम कुछ ऐसे कंपार्टमेंट बना ले जहां प्रोटीन बनते हो, जहां एंजाइम्स वगैरह बनते हो। तो क्या हुआ, इसकी और भी फोल्डिंग्स हो गई, ये सीधे ट्यूब जैसा ही नहीं रहा बल्कि ऐसा हो गया, और ये इधर से मान लो डिटैच हो गया, क्या बन गया, ईआर बन गया। भाई हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है, कैसे बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है। फिर अब ये अपने आप को कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल में, एक बार इनिशियल अरेंजमेंट तो कुछ ऐसे आई होगी, ठीक है। ऐसे मान लो यहां पर भी कुछ मेम्ब्रेन जो है वो यहां से डिटैच हो गए अंदर, ये लो कुछ ऐसे ईआर बन गए। इन्हीं यार ने बोला कि हम कुछ और भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा अपने आप को और स्पेशलाइज कर लें, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना ली इन्होंने। क्या है ये, गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी ने फिर लाइसोसोम और छोटे छोटे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सब बना दी। आई बात समझ में, देख रहे हो कैसे सेल जब बड़ी हुई तो उसके पास स्पेस आया, उस स्पेस को उसने अरेंज करना स्टार्ट किया, कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ये देखो बन रहे कंपार्टमेंट, न्यूक्लियस बन गया, ईआर, गॉल्जी बॉडी, ये सब बन गई। फिर यहां पर इसने बोला अब किचन बनाना है। उसने बोला किचन बनाना तो है लेकिन किचन में खाना कौन बनाएगा, कुक चाहिए। उसने बोला सेल को अपनी एनर्जी चाहिए, फर्नेस चाहिए। तो उसने क्या बोला, सेल ने बोला उसका एक आसान तरीका हो सकता है कि हम किसी को, अब घर बड़ा हो गया, उसने सोचा कि खाना बनाना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, क्यों ना हम किसी को अपने यहां पर काम पे रख लें, काम पे रख लें। तो एक बैक्टीरिया ऐसे जा रहा था, मान लो एक साइनोबैक्टीरिया भी जा रहा था यहां से। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड वगैरह बनाता है। प्लांट सेल भी बना, कैसे बना था वो भी मैं तुमको बता रहा हूँ साथ में। ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारे थायलेकॉइड्स होते हैं, 70s राइबोसोम वगैरह होता है, ऐसा कुछ था। ये क्या, ये तो सल्फर बैक्टीरिया है और ये मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब ये सल्फर बैक्टीरिया जा रहा था यहाँ से और ये सल्फर बैक्टीरिया बहुत दुखी था, सोच रहा था कि काश मेरे को कोई हेल्प कर देता, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती अकेले जिंदा रहने के लिए, कोई मुझे खाना वाना देता, मेरे रहने के लिए कुछ इंतजाम कर देता तो अच्छा रहता। तो यहाँ से चिल्ला जा रहा है, किसी को एनर्जी बनाने वाले की जरूरत है, किसी को एटीपी बनाने वाले की जरूरत है, ऐसा चिल्लाते जा रहा है यहाँ से। तो फिर क्या हुआ, सेल ने देखा, अरे ये तो मेरे काम का आदमी है। बोला रुको 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 भाई, हाँ मुझे जरूरत है। बोला क्या तुम मेरे लिए एटीपी प्रोड्यूस करोगे, क्या तुम मेरे लिए एनर्जी बनाओगे। इसने बोला हाँ हाँ साहब जरूर बनाऊंगा। तो सेल ने इसको पूछा कि मेरे लिए एटीपी बनाने का तुम क्या लोगे, क्या लोगे बताओ, डील हो रही है, क्या लोगे। इसने बोला साहब मुझ गरीब को तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रहने के लिए जगह दे दो, थोड़ा बहुत खाना दे दो, मेरे को कोई जरूरत पड़े मेरी हेल्प कर देना, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सेल ने बोला भाई ये तो दोनों का काम हो गया, इससे मुझे बेनिफिट, मेरे को इससे बेनिफिट, हम लोगों का एसोसिएशन जो है वो लग रहा है लंबा चलेगा। तो ऐसा सोच के इन्होंने डील डन कर ली, डील डन। बोला ठीक है आ जाओ। अब क्या हुआ, सेल के पास तो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, सेल वॉल के पास भी रिसेप्टर होते हैं, इजीली एंटर होने नहीं देगा। तो सेल ने बोला कि चलो तुम अपना अपने कपड़े बाहर उतारो, सेल वॉल जो उसको उतारो, और या कुल मिला के समझो कि सेल ने क्या किया, एंजाइम सिक्रेट करके उसके सेल वॉल को लाइज कर दिया और एज अ बॉडी इसको क्या किया, एंगल्फ कर लिया, एंगल्फ कर लिया। देखो अंदर क्या, जैसे फूड एंगल्फ करता है वो अमीबा या हमारे WBC वगैरह, वैसे ही कुछ किया और ये कुछ इस तरीके से अंदर आ गया। ये देखो बैक्टीरिया अंदर आ गया कुछ इस तरीके से, इसका जेनेटिक मटेरियल 70s राइबोसोम, अदर चीजें, और फिर ये आ गया अंदर, क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अरे वाह ये तो कमाल हो गया कि सेल के पास, यूकैरियोटिक सेल के पास कुछ इस तरीके से कौन आ गया होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बन गया होगा। अब तुम्हें समझ में आएगा कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से वो क्या करता है, अपना एटीपी बनाता है। भाई क्रेब साइकिल यहाँ पे चलता है ना, साइटोप्लाज्म में ना, तो अभी भी क्रेब साइकिल कहाँ चलेगा, इस बैक्टीरिया के भी साइटोप्लाज्म में।
ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है जिसे हम पहले मीजोजोम बोल रहे थे, अब उन मीजोजोम को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, क्रिस्टी बोलते हैं ना। यानी मीजोजोम का काम वही है जो काम किसका होता है? क्रिस्टी का होता है। आई बात समझ में? अब मीजोजोम क्या करता है बता सकते हो? अब क्या करता है मीजोजोम? मीजोजोम के ऊपर ईटीएस वाली प्रोसेस चलती है। यानी हम रेस्पिरेटरी एंजाइम से यदि बोलते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं इस चैप्टर में, यदि कंसेप्चुअली ना पढ़े तो रट के तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अब हमें कंसेप्चुअली पता है कि जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है वही यहां पर मिलेगा, लाइक सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और ईटीएस के सारे कंपोनेंट बनेंगे, यानी यहां पर जो मेम्ब्रेन है, ये जो पेरिफेरल मीजोजोम है, इस पे क्या होता है? इसके ऊपर ईटीएस चलता है और एटीपी बनती है, क्रेब साइकिल ग्लाइकोलाइसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। है बस उनमें तो यहां पेरिफेरल मीजोजोम। अच्छा, उसके बाद में ये बीजी ए की भी बात कर लेते हैं। ऐसे ही एक ब्लू ग्रीन एल्गी जा रहा था, साइनोबैक्टीरिया जा रहा था, वह वापस से चला चला जा रहा था। क्या किसी को खाना बनाने वाले की जरूरत है? क्या किसी को कुक की जरूरत है? ऐसे चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था। सेल ने बोला, अरे अरे रुको रुको भाई, मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, प्लांट बनना है इसको, प्लांट सेल बनना है इसको। उन्होंने बोला मुझे जरूरत है। डील हुई फिर से, खाना बनाने का क्या लोगे? इसने वही बात इसको बोली, भाई मुझे गरीब को क्या चाहिए, रहने के लिए जगह दे दो, जो कुछ हेल्प करने मुझे जरूरत होगी थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, क्योंकि न्यूक्लियस से भी एंजाइम्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प के लिए। सेमी ऑटोनोमस बन है ना, ये कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है, डीलिंग हुई है लेकिन बिल्कुल ऑटोनोमस नहीं है, दोनों मिलजुल के कुछ काम ये खुद करता है, कुछ के लिए सेल की हेल्प लेता है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, इसी तरीके से इसने भी डील कर ली और ये भी अंदर आ गया, वैसे एंगल्फ कर लिया, डबल लेयर हो गई। और इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल 70S राइबोसोम्स, ठीक है, और जो इसके अंदर थायलाकॉइड थे वो ग्रेजुअली इवोल्यूशन में क्या हुआ, कुछ इस तरीके से अरेंज होने लग गए, किसकी फॉर्म में? ग्रेना की फॉर्म में, ग्रेना स्ट्रोमा वाले पोर्शन जो है वो बन गए, कुछ इस तरीके से बन गया क्लोरोप्लास्ट। आई बस उनमें। तो इवोल्यूशन की प्रोसेस में जो सेल डेवलप हुआ है, यूकैरियोटिक सेल, वो कैसे बना है वो मैंने आज तुम्हें बता दिया, आज की बात बता दी मैंने तुमको, ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात। तो ये है तो चीजें बहुत बेसिक, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, मतलब कोई टीचर बात भी नहीं करते होंगे मुझे लग रहा है आज तक, मुझे तो नहीं लगता तुमने किसी से पढ़ा होगा तो उन्होंने ये सब बातें की होगी, बट यदि हमको ये बेसिक बात पता होगी ना तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा होता है, क्यों 70S राइबोसोम होते हैं, क्यों हम इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं, ये सारी बातें आज तुम्हारे सामने क्लियर हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट सेल चैप्टर का सीखा कि आखिर किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, और पेरिफेरल मीजोजोम जो है ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। एंड ईटीएस कंपोनेंट एंड SDH सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज प्रेजेंट ऑन इट, समझ गए? सेंट्रल मीजोजोम की बात करें तो सेंट्रल मीजोजोम जो होता है उसे सेप्टल मीजोजोम भी बोल रहे हैं, किसमें हेल्प करेगा? हेल्प्स इन क्रॉस वॉल फॉर्मेशन या सेप्टा फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब बैक्टीरिया का सेल डिवाइड कर रहा होगा उस टाइम पे रोल आएगा किसका? सेंट्रल मीजोजोम का, ठीक है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया मीजोजोम के बारे में, जो कि एक अंदर की तरफ प्रोजेक्शन है। अब क्वेश्चन में पूछूंगा, तुम बताना मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो सही है कि गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ईटीएस कंपोनेंट एंड सम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन इनर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही कि गलत? ईटीएस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सही कि गलत? सही है ना, गलत तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम बोलते तो सही नहीं, फोल्डिंग ने तो क्या किया, फोल्डिंग ने एरिया बढ़ा दिया। कौन बोल रहा था एरिया बढ़ाता है, तुम से क्यों बोल रहा था ना, वो बच्चा आदर्श बोल रहा था कि ना कि फोल्डिंग के लिए एरिया बढ़ाता है, तो यस। लेकिन वो एरिया किस चीज़ के लिए था, कि ईटीएस की एक्टिविटीज जो है वो ज़्यादा चल पाए, एटीपी वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। ये तो बात हो गई इनवर्ड प्रोजेक्शन फोल्डिंग की। अब आउटवर्ड फोल्डिंग या प्रोजेक्शन बनाता है ये, जिसे बोलते हैं हम क्या, पिलाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटवर्ड फोल्डिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं पिलाई और फिब्रिल। नेक्स्ट देखो क्या होता है, पिलाई और फिब्रिल, पिलाई और फिब्रिल। आउटवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये पिलाई ज्यादा होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पिलाई का नंबर जो है वो ज्यादा होता है, मोर फ्रीक्वेंट। तो इस टाइप का है क्या, ये लोकोमोशन में हेल्प करने वाली चीज है क्या, नहीं नहीं लोकोमोशन में हेल्प, कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगी, और भी कुछ हेल्प करेगी देखते हैं। ये पिलाई जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट पिलाई, शॉर्ट पिलाई जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं फिम्ब्री, और दूसरा होता है लॉन्ग पिलाई जिसे हम बोल देते हैं सेक्स पिलाई। दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट पिलाई का मतलब छोटे छोटे साइज के हैं, बहुत सारे होते हैं यानी न्यूमरस एंड स्मॉलर, जबकि ये कुछ ही होते हैं, फ्यू एंड लॉन्ग। यानी क्या होगा, जैसे मान लो सपोज एक ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के हमने ऊपर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे देखे, क्या ये सीलिया है क्या, नहीं ये सीलिया नहीं है, सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये सीलिया नहीं है। बैक्टीरिया में सीलिया होता है क्या, बैक्टीरिया में सीलिया होता है क्या, क्या नहीं होते, सिलिया नहीं होते, यस सिलिया नहीं होता, फ्लैजिला होता है ना, सिलिया नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात थी, कई बार हम मिस कर देते इस चीज को। मान लो ये तो पिलाई है और बीच में हमने क्या देखे, कुछ बड़े साइज के ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाले जो है ये क्या है, ये पिलाई है, शॉर्ट पिलाई, और इस शॉर्ट पिलाई को हम फिम्ब्री भी बोलते हैं, और ये लॉन्ग पिलाई जो है इसे हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, क्योंकि ये हेल्प करता है किसके अंदर, लंबा वाला, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। और यदि हम बात करें ये शॉर्ट पिलाई किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में, यस, किससे, यस हेल्प इन अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेट, जमीन पे चिपकने में हेल्प कर रहा है, सबस्ट्रेटम पे चिपकने में हेल्प कर रहा है। क्या तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हें किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, तुम किस तरीके से लिख रहे हो, जब तुम पढ़ते हो ना तो तुमको भी इतने ही क्लियर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे लिखी हुई मिलेगी ये बात, या तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो तो तुमको ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में ना चीजें बहुत सिस्टमेटिक वे में जानी चाहिए, कि जब हम पिलाई पढ़ रहे तो हमने चार लाइन नहीं पढ़ ली, उस चार लाइन को यदि वो दो टाइप के हैं, दो पार्ट में है, क्या मेन डिफरेंस है, तो कंपेयर करते हुए पढ़ा,
तो क्या होगा, तो तुम्हारे माइंड में हमेशा रहेगी, जीवन भर रहेगी। और ये सिर्फ लाइन की तरह पढ़ लोगे तो फिर इधर उधर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। तो ये तो सारी बात हो गई किसकी, ये तो सारी बात हमने कर ली, सेल वॉल ग्लाइकोगैलिक्स हमने लास्ट सेक्शन में कर लिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी बात कर ली। अब सेल वॉल का जो मॉडिफिकेशन है इनके अंदर वो होता है फ्लैजिला। पहले फ्लैजिला की भी बात कर लेते हैं फिर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं आप फ्लैजिला। फ्लैजिला अभी इस बच्चे ने बता दिया सीलिया नहीं होता है, फ्लैजिला होता है। बट डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोट के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है, हाँ कौन से प्रोटीन का, बोलो, नहीं फ्लैजिलिन तो प्रोकैरियोट के लिए लिख रहा हूं, यूकैरियोट ट्यूबुलिन, यस, अनलाइक यूकैरियोट दैट इज ट्यूबुलिन। फ्लैजिला जो है वो यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है जबकि प्रोकैरियोट के अंदर ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। एक और डिफरेंस कि यहां पर जो फ्लैजिला होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन ये यूकैरियोट के बारे में चल रहा है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब याद करो तुमने अपने जीवन में यदि पढ़ा होगा कभी तो तुमने देखा होगा कि वहां पर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है कुछ इस टाइप की और यहां पर बेसल बॉडी और यहां पर ये एक्सोनियम कुछ इस तरीके से होता है और ये रूटलेट्स वगैरह। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने इसके ऊपर कवरिंग बनाई हुई है, किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल। यहां पर ये जो एक्सोनियम होता है इसके अंदर क्या अरेंजमेंट होती है, 9+2 अरेंजमेंट होती है, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ठीक है, और सेंटर में डबलेट, दो सिंगलेट, सॉरी सेंटर में दो सिंगलेट। तो यहां पर क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट। तो क्या बोलेंगे, इट इज सिंगल रॉड लाइक। प्रोकैरियोट के अंदर जो फ्लैजिला होता है उसकी मूवमेंट होती है कुछ इस टाइप से, वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है, जबकि यूकैरियोट के अंदर इसमें यूकैरियोट में वेव लाइक होगी, अंडुलेटिंग मूवमेंट। मूवमेंट कैसा है, वेव लाइक और अंडुलेटिंग, और पेंडुलम लाइक भी हो सकता है, अंडुलेटिंग और वेव लाइक। जबकि यहां पर हम देखते हैं कैसी मूवमेंट होती है, मूवमेंट इज रोटेटरी, यानी ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है इस तरीके से। डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बीच में स्पेस, इस स्पेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम्स वगैरह बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है इनके अंदर, बेसल बॉडी जो बनती है वो कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दो रिंग प्रेजेंट है किसके, कौन से लेयर के अंदर, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर के अंदर, ठीक है। एक रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर,
म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर के अंदर, यहाँ पर एक रिंग होगा, एक रिंग जो होता है इसके नीचे यानी स्पेस जो है वहां पर होता है, और एक रिंग साइटोप्लाज्म में भी होता है कुछ इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से बहुत सारे रिंग होते हैं। सेल वॉल के अंदर यदि बात करें तो एल रिंग पी रिंग, लाइपोपॉलीसेकेराइड से आया होगा, एल रिंग पी रिंग, म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर है, एम रिंग एंड एस रिंग, और साइटोप्लाज्म में है तो उसे सी रिंग। तो टोटल फोर रिंग्स जो है वो सेल वॉल में है, किसके? ग्राम नेगेटिव, लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर है ना, ग्राम नेगेटिव वाले में होगा ना बच्चे। इसको हम बोल रहे हैं क्या, बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट। यदि मैं बोलूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता तो कितने रिंग्स प्रेजेंट होते? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता तो ये दो खत्म, दो ही खत्म होते ना, बाकी तो प्रेजेंट होते, तीन प्रेजेंट होते, या सेल वॉल में दो और साइटोप्लाज्म में एक होता। ठीक है, एक साइटोप्लाज्म में भी होता है, हालांकि नॉर्मली तुम यदि मॉड्यूल वगैरह ये सब पढ़ते हो तो उसमें सी रिंग का जिक्र नहीं दिया होता है, नॉर्मली सेल वॉल की रिंग की बात करते, बट होता है एक सी रिंग भी। तो यहां पर इस तरीके से बेसल बॉडी बना, और इसके ऊपर यहां पर होता है एक हुक, और हुक से जुड़ा हुआ होता है क्या, फिलामेंट। फिलामेंट, ये फिलामेंट जो है ना वो सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा ट्यूब जैसा बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यदि यहां पर मैं देखो इस ट्यूब के अंदर क्या है, तो एक दो तीन चार, चार क्या है, कौन सी प्रोटीन, फ्लैजेलेट। हाँ, फिर इसके ऊपर फिर से चार होंगी, इसके ऊपर वाली चार जो होंगी वो एक दो तीन चार, फिर इसके ऊपर, इस तरीके से फोर फोर का अरेंजमेंट रहता है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, सिंगल रॉड लाइक होता है इसका फ्लैजेला, ये वाला पार्ट, समझ गए ना। तो अब देख रहे हो, लग ही रहा है कि ये तो कुछ मोटर जैसा लग रहा है, इसके ऊपर घूम सकता है ये, तो ऐसे घूमता है, रोटेटरी मूवमेंट शो करता है, समझ गए क्या। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। देन अब आ जाओ साइटोप्लाज्म के ऊपर, नोट करना चाहते हो फटाफट नोट कर लो, कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, तो हमको ना चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक ध्यान रहती है, हमने यूकैरियोट से कंपेयर कर लिया साथ में। एक बात और भी मैं तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो चीज तुम्हें लाइफ में चाहिए ना वो बहुत बड़ी है। डॉक्टर बनना, जिसको कि हम भगवान के इक्विवेलेंट बोल देते हैं कि भाई डॉक्टर जो है वो भगवान के इक्विवेलेंट है, तो बहुत ऐसी चीज नहीं है जो बहुत आसानी से मिल जाए, बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज को पाने के लिए मेहनत भी बड़ा ही करना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं मार सकते। कुछ बच्चे जो है ना वो सोचते हैं कि ना कि अच्छा एनसीईआरटी बीएसडी तो आता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें और सिर्फ इतना ही कर लें। तो यदि कोई उस सोच से पढ़ता है ना तो उसकी मेहनत पूरी आ ही नहीं पाती है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझोगे ना तुमको डीप में जाना ही पड़ेगा, समझने के लिए डीप में जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी कहां पे अपने आप को कंट्रोल कर लेना है, एग्जाम्पल्स रटने में कंट्रोल कर लेना है, या अननेसेसरी टॉपिक में नहीं जाना है। मान लो तुमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, तुमको उसमें फ्लैजिला का भी नाम आया, पिलाई का भी नाम आया, और ग्लाइकोकैलिक्स का भी नाम आया, तो जो भी चीजें नाम आ रही है ना उनके बारे में लॉजिकली पढ़ लो, लॉजिकली जितना तुमको मिलता है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिससे तुम्हारा वो कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है वो पूरा पढ़ो। ये मत सोचो कि एनसीईआरटी में दो लाइन लिखी है वही दो लाइन पढ़ ले, फिर क्या हो जाएगा, दो लाइन तो तुम पढ़ लोगे लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो हो सकता है क्वेश्चन तो सिंपल सा आ जाएगा कि बताओ मीजोजोम जो है वो एनरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है कि नहीं करता है। अब तुमने ऐसा पढ़ लिया कि मीजोजोम के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, एनरोबिक रेस्पिरेशन कर दिया, तो क्या होगा, सोच में पड़ जाओगे।
कि क्या करें, लेकिन यदि तुम्हें पता होगा कि अच्छा इसके ऊपर ईटीएस एंजाइम ईटीएस कंपोनेंट्स होते हैं, तब फिर नहीं होगा कंफ्यूज, समझ गए ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को लॉजिकली पढ़ने के लिए कैपेबल बनाओ और शॉर्टकट मत मारना। मैं तुमको क्लियरली बोल देता हूँ, शॉर्टकट मारोगे यदि आज तुम किसी बच्चे को देखते हो कि लास्ट ईयर नीट एग्जाम में कोई बच्चा जो है वो 360 आउट ऑफ 360 ले आया, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं लाया, उसने अच्छे से अच्छे बुक्स भी किए, उसने अच्छे से अच्छे टीचर से भी पढ़ाया, उसने दिन रात एक करके मेहनत की है, तब जाके लेके आया। यदि वो सिर्फ ये सोच लेता ना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ और मैं 360 में 360 ले आऊंगा, कभी नहीं आते, क्योंकि जो लाइनें लिखी हैं उनको समझने के लिए तो तुम्हें घुसना ही पड़ेगा, डुबकी मारनी ही पड़ेगी समुंदर में, तब तुमको वो समझ में आएंगी। अच्छा, और उसके आजू बाजू की भी दो बातें पता होगी, एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना कि यदि तुम चाहते हो कि हमें सेलेक्ट होना है, अच्छा टीचर चाहिए तुम्हें, अच्छा गाइडेंस चाहिए तुम्हें, और तुम्हारे अंदर भी वो जुनून जज्बा चाहिए कि तुमको चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है, टाइम कम है, तुम्हें पूरा टाइम देना है। कोई बच्चा पूछता है कि सर कितने घंटे पढ़ ले, यदि सेलेक्ट होना है तो कितने घंटे, अभी वो टाइम है, ये नहीं पूछना कि कितने घंटे पढ़ने, पढ़ो खाओ पियो सो, माइंड रिफ्रेश करने के लिए आधे घंटे एक घंटे का टाइम चाहिए होता है वो निकालो, बट मैक्सिमम टाइम अपना झोंक दो पढ़ाई में। यदि कर दिया, यदि तुमने कर दिया, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो तुमसे बच जाए। लेकिन यदि तुम अपने आप को कहीं रेस्ट्रिक्ट करते रहे प्रीवियस ईयर का पेपर देख के, अरे क्वेश्चन तो यही पूछते ही, तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रीवियस ईयर का पेपर ही आ जाए, क्वेश्चन ईजी होने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि कंसेप्चुअली नहीं समझा, जो डीप समझा होता है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता, चाहे पेपर ईजी हो चाहे पेपर टफ, जो कम पढ़े होते हैं वो उस चीज़ के भरोसे होते हैं कि पेपर ईजी आया तो निकल गए, टफ आया तो लुढ़क गए, वो उनके भरोसे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, और अभी के लेक्चर्स तुम देख रहे हो मैं तुमको बहुत कंसेप्चुअली आराम से पढ़ा रहा हूँ, रीजन बीइंग मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, रीजन बीइंग कि तुमको एक बार पढ़ने का तरीका पता पड़ जाए, तुमको पढ़ना कैसे, क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्या तुमको अच्छा लगेगा कि मैं जो है वो सिर्फ बोल दूँ ये सारी बातें, बोर्ड पे ना लिखूँ, डायग्राम ना बनाऊँ, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मैं अपना मोबाइल निकाल के उसमें फोटो दिखा दूँ, देखो ये है फ्लैजिला का फोटो, ऐसा होता है, देखो ये रिंग है, एल रिंग, पी रिंग, और ये तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा क्या, क्यों, दिखा तो दिया, बता भी दिया सारी बात, क्यों अच्छा नहीं लग रहा फिर, क्योंकि क्योंकि उसमें ना तुम्हारा अटेंशन जाएगा ना चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुसेंगी। तो जैसा मैं अपने लिए बता रहा हूँ वही तुम्हारे लिए भी है, कि तुम भी यदि पढ़ते टाइम ड्रॉ नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सिर्फ देख रहे हो, तो चीज़ें तुम्हारे ब्रेन को अच्छी नहीं लगती हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रखेगा उसे। हो सकता है उस टाइम तुम्हें एक बार को फीलिंग आ जाए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन ब्रेन ज़्यादा दिन तक रखेगा नहीं उसे। और ये तुमने लिख करके इस तरीके से पढ़ा है सिस्टमेटिक वे में, पूरा नहीं लिखना होता हमको, हमको तो पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये तो मैं फिर भी ज़्यादा लिख रहा हूँ, तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें तो फटाफट चार रिंग होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, बस हो गया, सुंदर सुंदर तो बनाना ही नहीं है, ठीक है। बट पेन चल जाना चाहिए एक बार, तो क्या होगा, ब्रेन में वो अच्छे से फिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आपको लिख करके सिस्टमेटिक वे में पढ़ना सिखाओ, ठीक है। फ्लैजिला के बाद में अब नेक्स्ट आ जाओ साइटोप्लाज्म वाले पार्ट पे। अभी तक हम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर बाहर ही घूम रहे थे, एनवेलप जो है वो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको ही देख रहे थे, अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, कौन बोल रहा है एब्सेंट, एब्सेंट, अच्छा तुम उस क्लास में नहीं थे लास्ट, हाँ मैंने उसमें डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन गलत कराने का तरीका है, ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, है ना। तो अपने को हर चीज पे ध्यान देना है तब हम सिलेक्ट हो पाएंगे। तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के एग्जाम्पल बताओ, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट,
और लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्जी बॉडीज एब्सेंट, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होंगे, समझ गए ना। देन इसके अलावा इनके अंदर साइटोस्केलेटन वो भी एब्सेंट होता है, साइटोस्केलेटन एब्सेंट, जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये सब होते हैं ना, ये भी एब्सेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन एब्सेंट। साइटोस्केलेटन एब्सेंट होने की वजह से इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट, इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो भी एब्सेंट होती है, समझ गए। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। इसके अलावा यदि हम बात करें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है जानते हो कि नहीं जानते हो आदर्श? नहीं। जैसे एक प्लांट सेल है, इसके अंदर एक वैक्यूल है मान लो, है ना, तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसके अराउंड ऐसे घूमता रहता है, किसमें हेल्प करेगा, मान लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कुछ चीज चाहिए, रॉ मटेरियल मान लो यहाँ से आया या बना, तो यदि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होगी तो इसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इस तक, इस टाइप की चीज़ है। अब जो सेल खुद बहुत छोटी है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो डिफ्यूजन के थ्रू तो चला ही जाएगा, भले ही थोड़ा टाइम लेगा। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर ध्यान रखना, इस टाइप की जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है। देन ऑर्गेनेल की बात करें तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट, और ये 70S राइबोसोम जो है वो मोस्टली कहां पर प्रेजेंट होता है, या तो साइटोप्लाज्म में या फिर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड भी हो सकता है, या तो साइटोप्लाज्म में या फिर अटैच्ड ऑन मेम्ब्रेन। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल आरएनए स्ट्रैंड पे लगे होते हैं, एक आरएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर, हाँ इस तरीके से, क्या बोलते हैं इसे, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स प्रेजेंट। क्योंकि क्या होता है कई बार पॉली, हम देखते हैं प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक टाइप का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो एक ही आरएनए बना वो 3-4 एंजाइम 5 एंजाइम बनाएगा मान लो, तो क्या हुआ, उतने राइबोसोम्स वहां पर अटैच हो गए, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स, तो ये भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन इसके बाद में इनके अंदर होते हैं बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज कुछ स्टोर्ड मटेरियल, स्टोर्ड पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। वेसाइकल्स तो एक प्रॉपर वेसाइकल तो होगा नहीं, मेम्ब्रेन माउंट टाइप का है, ठीक है, फूड गैस वैक्यूल वगैरह बन सकते हैं जरूर से, है ना। क्या होते हैं, जैसे मान लो स्टोर्ड फूड की बात करें तो क्या होता है स्टोर्ड फूड इनके अंदर, व्हाट इज स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इज मोस्टली ग्लाइकोजन, इनका फूड जो होता है स्टोर फूड, हम लोगों जैसा है, एनिमल जैसा ग्लाइकोजन, हमारे अंदर भी ग्लाइकोजन मेनली स्टोर होता है, तो वो स्टोर फूड होगा, ठीक है। लिपिड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स मे बी प्रेजेंट। उसके अलावा इनके अंदर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल और प्रेजेंट। अब ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल क्या होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल जो है वो रिजर्व मटेरियल होते हैं, रिजर्व फॉस्फेट होता है जिसमें आरएनए भी होता है, क्या होता है ये, रिजर्व आरएनए, मेनली तो रिजर्व फॉस्फेट होता है, मेनली पहले फॉस्फेट लिखता हूं, रिजर्व फॉस्फेट, कुछ आरएनए और प्रोटीन भी होता है, तो ये इसका स्टोर्ड पार्टिकल हो गया। इसके अलावा और इसके पास होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इसको एडवर्स कंडीशन में एनर्जी देते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए यूजफुल ऐसे हैं, कैन बी यूज्ड
टू फॉर्म बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में भी काम आते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डीएनए कैसा होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना अच्छे से, और ये भी पढ़ना, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो कुछ भी तो बोलना मुझे, ठीक है ना। चलो मिलते बच्चों।